नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से दो नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। ओनली 20 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दोस्तों, सिकंदर किसका शिष्य था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। सिकंदर किसका शिष्य था? दोस्तों, पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका था? अरस्तु का सिकंदर शिष्य था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सिकंदर का सेनापति कौन था? दूसरे का आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त हो जाएगा। तीसरे का गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? चौथे का जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? चौथे का आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, साथ साथ में नोट करते जाइए, हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। दोस्तों, तो साथ साथ में नोट करते जाइए, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। पांचवें का, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? पांचवें का आंसर हो जाएगा 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला बढ़ता है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है बढ़ता है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। छठे का आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, हरिद्वार गंगा इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन और नासिक में दोस्तों, गोदावरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सातवां क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथ में नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट लगा लें इस क्वेश्चन को। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? सातवें का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। दोस्तों, किस धर्म से? बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाओं में चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? आठवें का आंसर हो जाएगा हैदराबाद है दोस्तों, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है दोस्तों। नौवां क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लगा ले इसको। दो नंबर का क्वेश्चन जरूर आने वाला है इस क्लास में से, रट लो दोस्तों पूरी क्लास को बिना स्किप किए देखें।
कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो नवे का आंसर हो जाएगा हैदराबाद। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने पेन कोड जोन है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। भारत में कितने पिन कोड जोन है? दसियों का आंसर जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। भारत में कितने पिन कोड जोन है? दसियों का आंसर हो जाएगा 9। दोस्तों भारत में 9 पिन कोड जोन है। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कैरियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 में। दोस्तों शुभारंभ कब हुआ? 1972 में। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। बारियों का आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है दोस्तों, भारतीय रेल। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। 13वां का आंसर हो जाएगा समझौता व थार एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता एवं थार एक्सप्रेस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन साथ साथ में नोट करते जाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? चौक देखो आंसर हो जाएगा 1925 में डेक्कन क्वीन 1925 में। दोस्तों भारत में प्रथम रेल विद्युत रेल कब चली? 1925 में। 15वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 15वां आंसर हो जाएगा 63,976 किलोमीटर। भारत में कुल रेलगाड़ी की लंबाई 63,976 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। देखते हैं दोस्तों जल्दी आंसर कौन दे पाता है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग दोस्तों पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। दोस्तों 17वां आंसर हो जाएगा लद्दाख। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमच्छादित बर्फ से ढका है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। 18वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका।
19वां क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पर पाया जाता है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। 19वां का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 29.2% दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर हुआ? भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर हुआ? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हर कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, साथ साथ में नोट करते जाइए दोस्तों। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्चा तीव द्वीप और न्यूमूर द्वीप दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, साथ साथ में नोट कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे दोस्तों।